एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस पर। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ टॉपिक वो है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे आज फ्रॉम के बारे में। दोस्तों, हर एक प्रीपोजिशन का अपना एक अलग यूएसपी है जिसकी वजह से उसे ग्रामेरिया ने प्रिस्क्राइब किया है आपके लिए। तो फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है इसका अपना यूएसपी है, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। और आपको पता ही है कि 13 नवंबर से एक नया ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप इसके लिए www.shyamsharmaclasses.com पे जाके और आप अपना रजिस्टर कराएं वहां पे। रजिस्टर करने के बाद कोई भी आप अपना टॉपिक कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें 7 बैचे चल रहे हैं, जो लेटेस्ट बैच है वो 13 नवंबर का है, और ये सारे बैचेज उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो बच्चे ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं या फिर बहुत दूर रहते हैं, दिल्ली से काफी दूर, वो यहाँ आ नहीं सकते, मेरा डायरेक्ट यहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। उन सारे बच्चों के लिए कोर्स बहुत वरदान है। जो बच्चे कहीं आगे और एग्जाम देना है एसएससी का, सीपीओ का, बैंक पीओ का, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं और उनको कोर्स करने का टाइम नहीं है, तो उन सब के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सही है, तो इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फ्रॉम के बारे में। तो कुछ सवाल हैं आपसे, मतलब आप ये खुद ही आप देखिए और सही वर्ड्स को आप समझने का प्रयास करिए। जैसे फ्रॉम, तो फ्रॉम क्या बताता है? फ्रॉम बताता है कि सेपरेटिंग पॉइंट, यानी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकेशन, या फिर सेपरेटिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन एंड सेपरेटिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कहां से कोई चीज सेपरेट हो रहा है, या बिगनिंग पॉइंट आप कह सकते हैं इसको, कि सेपरेटिंग पॉइंट दिखाता है या बिगनिंग पॉइंट दिखाता है, लोकेशन का भी और टाइम का भी। सही है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि आई विल बोरो मनी, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई विल अब यहां पे मैं प्रीपोजिशन रख रहा हूं फ्रॉम और टू। तो आपको पता है फ्रॉम जब हम यूज करते हैं वो कहां से कोई चीज शुरुआत हुआ है उसके लिए करते हैं, और टू यूज करते हैं कि कहां पे कोई चीज पहुंचा, यानी कि डेस्टिनेशन के लिए, रिसिपिएंट के लिए हम इनका यूज करते हैं, रिसिपिएंट के लिए इनका यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे दो ऑप्शन है, आई विल बोरो हिम और आई विल लेन मनी हिम। तो देखिए, प्रीपोजिशन जब यूज करते हैं ना तो दोनों तरफ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे नाउन, दो नाउन में या दो प्रोनाउन में हम संबंध दिखा रहे हैं, लेकिन संबंधों को समझने के लिए ये वर्ब को देखना जरूरी है। तो मैं पैसा लूंगा कहां से प्राप्त करूंगा, यहां से। तो यहां से जिससे हमें चीजें प्राप्त हो रही है, यहां से चीजें अलग हो रही है, यहां हम फ्रॉम लगाएंगे। और यहां पे मैं पैसा दे रहा हूं, किसको दूंगा, उसे दूंगा, तो ये हमारा रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट के लिए टू लगाते हैं। सही है, तो इसको हमें समझना है। तो प्रीपोजिशन का यूज जब हम करते हैं तो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दिखाने के लिए करते हैं, वो संबंध टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन का होता है। लेकिन उन संबंधों को सही आकलन आप तभी करेंगे जब बीच में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दें, जैसे वर्ब पे ध्यान देना, एडजेक्टिव पे ध्यान देना, वर्ब स्टेटिव है, एक्शन है, इन सबको आपको देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए, आई विल सेंड this letter his address, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि I will receive this letter ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहां पे आई का संबंध है एड्रेस से, ठीक है ना।
अब यहां पे बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सेंड करूंगा और यहां रिसीव करूंगा, तो मैं सेंड करूंगा तो ये लेटर कहां पहुंचेगा, यहां पे, तो ये इसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन दिखाने के लिए टू लगाएंगे। लेकिन यहां पे रिसीव करेंगे तो रिसीव कहां से करेंगे, यहां से, तो जहां से हमें चीजें प्राप्त हो रही है, सेपरेटिंग पॉइंट हो रहा है, यहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? और देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल टीच इंग्लिश हिम, और अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो अब जरा बताइए कि कहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे, कहां टू। तो अब जरा देखिए, संबंध हमें किसका दिखाना है, एक नाउन का दूसरे नाउन से, लेकिन हमें इनका जरूर ध्यान रखना है कि टीच है कि लर्न है, ठीक है ना। तो अब यहां पे बताइए, आई विल टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाऊंगा, किसे पढ़ाऊंगा, उसे, तो ये रिसिपिएंट है, यहां हमने टू लगाया, और यहां पे क्या लिखा है कि मैं सीखूंगा, किससे सीखूंगा, उससे, तो ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, यहां से हमें कोई चीज मिल रहा है, प्राप्त कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको फ्रॉम और टू का प्रयोग आपको सही तरीके से करना है। वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसको आपको देखने की जरूरत है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई विल गो मुंबई, तो अब यहां पे अगर मैं टू लगा रहा हूं ये भी सही है, और फ्रॉम लगा रहा हूं ये भी सही है, लेकिन दोनों में फर्क है कि नहीं, है ना। अगर मैं टू लगा रहा हूं इसका मतलब कि मैं कहीं से यहां पे जाऊंगा, और फ्रॉम लगा रहा हूं मतलब यहां से कहीं जाऊंगा, यानी कि आई विल गो टू मुंबई, मैं अभी मुंबई में नहीं हूं और मुंबई में जाऊंगा, और आई विल गो फ्रॉम मुंबई मतलब मैं मुंबई में हूं और मुंबई से कहीं और जाऊंगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को मैं आपको आगे वाले वीडियो में करूंगा, आज के लिए इतना ही। आप www.shyamsharmaclasses पे जाएंगे, 9599614791 पे कॉन्टेक्ट करें, और 13 नंबर को जो नया ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, इसमें ऑल 7 बुक्स का सेट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।